नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। आज हम बात करने वाले हैं LIC निवेश प्लस प्लान के बारे में। इसका टेबल नंबर है 849। ये एक शेयर मार्केट का प्लान है। इस प्लान को बाकी शेयर मार्केट के प्लान से अलग क्यों बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसमें 15% का आपको रिटर्न मिलता है अगर हम ग्रोथ फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। जी हाँ, ये प्लान अलग क्यों है, क्योंकि इसमें वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है जिसमें आपको हाई रिटर्न मिलती है आपके इन्वेस्टमेंट पे और आपके इंश्योरेंस पे। हाँ, मगर एक बात और है दोस्तों, अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते, देखिए सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट हर किसी के पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं होता है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरा प्लान। मेरी एक वीडियो है SIIP, उस प्लान को आप देखिए। सेम सारे फीचर्स हैं बट आप पेमेंट जो कर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मोड में कर सकते हैं। LIC अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती है, देखिए शेयर मार्केट में तो करेगी ऑब्वियसली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करती है और बॉन्ड्स में करती है, और जो भी फायदा होता है वो आपको प्रॉफिट के रूप में वापस दे देती है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं यार मेरे को 10-15% का मुनाफा होगी मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार मैंने तो इन्वेस्टमेंट की थी मेरे को तो फायदा, तो छोड़ो नुकसान ही नुकसान हो गया है। देखिए हर कोई सेफ खेलना चाहता है बट नॉलेज की बहुत जरूरत है इसके अंदर। मैं समझता हूँ शेयर मार्केट में रिस्क बहुत है, आपका हार्ड एंड मनी है, आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा है, बट डोंट वरी, यहाँ पर SIP प्लान्स में और निवेश प्लान में आपको एक फीचर मिलता है जो मिलता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो 10-20 सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है शेयर मार्केट का, कहाँ पैसा लगाना है, कब पैसा निकालना है, वो सारी टेंशन वो खुद लेता है। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये फंड मैनेजर आपको कंपनी डायरेक्ट देती है, आपको अलग से उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। छोटा बच्चा जिसकी एज अभी 90 डेज की भी नहीं है वो भी इस प्लान को ले सकता है, और एक व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल की है वो भी इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम टर्म यानी कि आप 10 साल के लिए ले सकते हो, 10 से लेके 11, 12, 13 से लेके 25 साल के बीच में कभी भी ले सकते हो, राइट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स के अंदर 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है। चलिए तो बात करते हैं बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में इस फंड के अंदर। वैसे तो बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड, चार फंड्स होते हैं, राइट। हम बात करने वाले हैं ग्रोथ फंड के बारे में। जी हाँ, इसमें आपको मिलती है तकरीबन 15% की रिटर्न। और इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें चाहिए कि यार अगर एक बार हमने एक फंड में इन्वेस्ट कर लिया तो क्या हमें उसी फंड में ही इन्वेस्ट करना है या फिर हम उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सवाल ये आ गया आपका स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इसे स्विच कर सकते हैं, वो भी साल में 4 बार, जिसकी आपके कोई चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, जो कि फ्री है। अगर आपको एक फंड पसंद नहीं आया तो आप दूसरे फंड की तरफ जा सकते हैं, दूसरा नहीं आया तो तीसरे, आप इसको साल में 4 बार स्विच कर सकते हैं। देखिए अब समझने वाली चीज़ क्या है, 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, उसमें आप पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बट 6 साल से लेकर 10 साल में आपका जो बेनिफिट है यानी मुनाफा जो होगा उसका 20% आप ले सकते हैं, और 11 से 15 साल में 25%, 16 से 20 साल में 30%, और 21 से 25 साल के अंदर 35% का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अंदर ग्रेस पीरियड नहीं है, बाकी जो पॉलिसीज होती है इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पेमेंट जाती है उसके अंदर ग्रेस पीरियड एप्लीकेबल होता है, बट ये आपने वन टाइम पे कर दिया, इसमें आपको ग्रेस पीरियड की कोई जरूरत नहीं है। सरेंडर पीरियड भी आपका होता है 5 साल के बाद, आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के बाद, राइट। आप इसमें चाहो तो लोन ले सकते हैं 5 साल के बाद। टैक्स बेनिफिट 80C के अंदर आता है, आपका प्रीमियम जो पे करते हैं, मैच्योरिटी आपकी 1010D के अंदर आती है। चलिए कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ग्रोथ फंड में हमको क्या क्या मिला है। बॉन्ड फंड की बात कर रहा था, इसमें 8% का रिटर्न मिलता है, सिक्योर्ड फंड में 10% का रिटर्न मिलता है, बैलेंस फंड में 12% का, और ग्रोथ फंड मिलता है 15% का। इसीलिए हम ग्रोथ फंड के बारे में आज बात कर रहे हैं। ग्रोथ फंड के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 20% से कम पैसा लगाया जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 40% का, और 40-80% जो है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है। एक एग्जांपल लिया हमने, व्यक्ति की एज है 28 साल, हमने 10, 15, 20, 25 साल का 4 एग्जांपल ले रखे हैं, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये की है, यानी कि पहले साल आपने जो इन्वेस्टमेंट किया तो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट 1 लाख रहेगा और नेक्स्ट ईयर से वो बढ़ने अपने आप लग जाएगा, राइट। चलिए तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमने क्या किया, ये ईयरली प्रीमियम हमने पे किया है यहाँ पर 1 लाख रुपये का, राइट। नेचुरल कवरेज की बात करिए, नेचुरल कवरेज देखिए हमारी स्क्रीन पर आ रही है, पहले साल जब हमने पे कर दिया उसके बाद में 1,25,000 रुपये का हमारा लाइफ कवरेज होगा, और जो कि हर साल देखो बढ़ता जा रहा है इसमें वाले कॉलम में भी और इस वाले कॉलम में भी, राइट। ये प्लान हमारा 10 साल का है, ये प्लान हमारा 15 साल का है। हम पहले 15 साल वाले के बारे में बात कर लें तो 10 साल वाला भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमने प्रीमियम पे किया 1 लाख रुपये का, ठीक है। इसके बाद ये हमारी कवरेज है, राइट। ये देखो कवरेज हर साल बढ़ती है, लाइफ की कवरेज है, इंश्योरेंस अमाउंट जो है, राइट। ये हमारा सरेंडर वैल्यू जो कि लॉक है 5 सालों के लिए स्टार्टिंग में, उसके बाद हमारा जो वैल्यू है वो हर बार बढ़ती जा रही है। तो हम देखेंगे 15 साल वाले प्लान के अंदर हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, हमको जो रिटर्न मिली इन 15 सालों में वो मिलती है 7 लाख रुपये के आसपास की, ठीक है। और ये दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 10 साल के अंदर आपको रिटर्न तकरीबन 3,48,000 रुपये के आसपास की रिटर्न आपको मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, अभी जो प्लान है 15% की रिटर्न आपको दे रहा है,
राइट। इसमें इंश्योरेंस का भी मैंने आपको बता दिया, इंश्योरेंस का पार्ट भी इसके अंदर ऐड है, और आप इसको चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हो आने वाले टाइम पे, और ये 5 साल के लिए लॉक इन रहेगा। लॉक इन इसलिए किया गया है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करते हैं, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आजकल आपकी, मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर ने, अगर मैं इस प्लान, चलो दूसरी टेबल आ गई स्क्रीन पे, चलो इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले हमारा सेम चीज़ है, ईयरली प्रीमियम 1,00,000 रुपये दिया है, राइट। ये हमारा प्लान जो है 20 साल का, ये प्लान जो हमारा 25 साल का है, ठीक है। हम अभी 20 साल वाले और 25 साल वाले प्लान की बात करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 1,00,000 रुपये यहाँ पर जमा किए थे, और हमको रिटर्न मिल रही है 25 साल में मिलती है तकरीबन 28,00,000 रुपये की, ये तो चीज़ क्लियर हो गई, राइट। लाइफ कवरेज यहाँ से 1,25,000 रुपये स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद अपने आप ये बढ़ता रहता है, राइट। अभी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने 28 साल की एज में ले लिया, सेम प्लान है, 5,00,000 का इंश्योरेंस, जो पहले साल हमने इंश्योरेंस अमाउंट लिया है वो हमारा 5,00,000 का इंश्योरेंस अमाउंट हो गया, जो अगले साल से बढ़ता रहेगा, जैसे कि हमने आपको भी बताया था। मैं किसी एक एग्जांपल को कवर करूंगा, बाकी चीज़ें आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, चाहे इसको पॉज करके देख लीजिएगा उसके बाद, राइट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, राइट साइड वाली स्लाइड को देखते हैं, जिसमें 15 साल का प्लान है। ये आप 15 साल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो 10 साल के हिसाब से समझ लेना उसको, 25 साल के हिसाब से समझ लेना। लेकिन समझाने वाली बात क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सबसे पहले ये प्लान लिया, मानिए उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है पॉलिसी लेने के 5 साल बाद या 6 साल बाद, तो ये देखिए कि सामने आपका अमाउंट दिख रहा है, राइट। आपने उस टाइम पे 5,00,000 रुपये ही जमा किए थे, और जो आपको रिटर्न मिल जाती है तकरीबन 9,00,000 रुपये के आसपास की, आपको मतलब रिटर्न नहीं बोलेंगे उसको, ये क्लेम डेथ क्लेम मिल जाता है 9,00,000 रुपये के आसपास का। अदरवाइज ये आपकी स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक और स्लाइड रखी हुई है, इसमें कैलकुलेशन है 5,00,000 रुपये की। 25 साल वाले प्लान को अगर मैं देखूं और 20 साल वाले प्लान को देखूं, तो दोनों ही आप देख सकते हैं। अगर 25 साल वाले प्लान को मैं देखूं तो 5,00,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ पर आपको तकरीबन 1,44,00,000 रुपये का रिटर्न आपको इसके अंदर दिया जा रहा है, राइट। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 5,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 74,00,000 रुपये का रिटर्न आपको दिया जा रहा है। दोस्तों ये अनुमान लगाया गया 15% के हिसाब से, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है। अगर आप नॉर्मली जो बॉन्ड्स मैंने आपको बताया उसमें 8% वाली रिटर्न्स भी हैं, 10% वाली रिटर्न्स भी हैं, और 12% वाली और 15% वाली रिटर्न, तो ये वाली है ही है। अगर आपको साल में कभी लगता है यार मुझे ना मतलब नहीं, मेरे को इसने लेना है, तो आप अपने बॉन्ड्स को शिफ्ट कर सकते हो कहीं भी साल में 4 बार फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई अलग से चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है आशीष सिंह रावत, आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ, इसी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।